नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बीपीएससी की तरफ से जो है सरकारी नौकरियों का ऑफर आया है, तो आइए जानते हैं आखिर वो बीपीएससी ने किस पदों के लिए जो है नौकरी की निविदा निकाली है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में प्रदेश में रोजगार देने की बात कही गई थी। ऐसे में अब विपक्ष लगातार सरकार पर प्रदेश में रोजगार देने को लेकर दबाव बना रहा है। खैर, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जारी बयान के बीच में बिहार में कई संस्थानों ने रोजगार को लेकर निविदा जारी की है। ऐसे में बीपीएससी की तरफ से भी निविदा जारी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के वित्त विभाग के ऑडिट डायरेक्टर के अंतर्गत बिहार सरकार में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप इस आवेदन को भर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी और 15 मई 2021 तक यह चलेगी। वहीं अगर हम रिक्तियों की बात कर लें तो ऑडिट निदेशालय के सहायक लेखा अधिकारी के लिए कुल 138 पदों के लिए रिक्तियां भर्ती निकाली गई है। कुल 138 पदों में से 54 अनारक्षित पदों के लिए है, जिसमें से 14 EWS के लिए आरक्षित की गई है। वहीं 22 सीटें जो है SC कैटेगरी के लिए है और 2 सीटें जो है ST कैटेगरी के लिए है। वहीं 25 सीटें जो है MBC पदों के लिए है। उसके साथ साथ 17 ऐसे जो पद हैं वो OBC कैटेगरी के लिए है और 4 जो पद हैं वो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वही अगर हम बात फी की लेकर कर लें तो इसमें जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लोगों के लिए जो है 600 रुपये देने होंगे। वहीं SC ST कैटेगरी के छात्रों को 150 रुपये देने होंगे और राज्य की महिलाओं को जो है 150 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि आइए वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जो उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास कॉमर्स, अर्थशास्त्र, गणित के साथ ही एडिशन में भी किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें MBA, CA या फिर ICAI में डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात आयु सीमा की कर लें तो BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पद के लिए विज्ञापन संख्या 05/2021 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु कम से कम 21 वर्ष और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2020 से मान्य होगी। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो बीपीएससी का पद है उसको हम कैसे आवेदन करते हैं। तो बीपीएससी के सहायक लेखा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के अधिसूचना के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद भर्ती अधिसूचना को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आप भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2021 निर्धारित की गई है। आइए हम जान लेते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय के लिए होगी, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस के साथ होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक जो होगा इसका 150 नंबर का होगा। प्रारंभिक परीक्षा का ही वही सिलेबस होगा जो कि संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता के लिए होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी। अब मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद से आप इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को जोड़कर आप एक चयनित अभ्यर्थी के रूप में शामिल होंगे। तो ये थी बीपीएससी जुड़ी हुई निविदा जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई थी। और भी ऐसे ही नियुक्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।